मारे रणधीर का बे माता का तो आंख से अच्छा, और कुलदीप का हाथ से, और नड़ुआर भाई काम इसके साथ से समझा गए। और फिर ये टिकट टकट मिलने लगी उस दिन भाई भगवान भी हमने तो खूब खुश दिखा हमारे पर बसा तोड़ लाइक। हाँ बसा तोड़ लाइक। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की तारीख 5 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर को जो है नतीजे आ जाएंगे। ऐसे में हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारी टीम पहुंच रही है और लोगों से जान रही है कि उनके मन में कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है घर कर चुकी है और कौन सा प्रत्याशी उनके मन को भा रहा है। ऐसे में नलवा हल्के के पनिहार गाँव में आज हमारी टीम पहुंची और यहाँ पर जो आप तस्वीरों में देख पा रहे कि इस बैठक में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए मेरे काके यहाँ पर बैठे हैं, तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इनके गांव का राजनीतिक माहौल क्या है। तो सबसे पहले एक युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। वैसे नमस्कार। नमस्कार जी। पनिहार गांव का राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है? बढ़िया जी, एक तरफ रणधीर पनिहार की तरफ है। अच्छा। हाँ। और अगर कंपटीशन की बात करें, अनिल मान कंपटीशन में है, जेजेपी से अगर बात करें अपना वीरेंद्र चौधरी है, तो क्या कोई कंपटीशन भी रहेगा? नहीं नहीं, कंपटीशन नहीं रहेगा, बिल्कुल आमी शामी की टक्कर होगी और रणधीर पनिहार 20,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। मतलब टक्कर तो मान रहे हैं ना? हाँ, आमी शामी की टक्कर होगी, वीरेंद्र चौधरी का कुछ नहीं होगा यहाँ। अच्छा। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो है आप कांग्रेस के प्रत्याशी को भी टक्कर देने वाला मान रहे हैं, तो कितने जो रहेगा पनिहार गांव की अगर बात करें, पनिहार गांव में बीजेपी के प्रत्याशी को जीतने? नहीं, पनिहार गांव में कोई टक्कर नहीं है। नहीं है। नहीं, पूरे हलके की बात कर रहे हैं? हाँ, हलके में तो दो पार्टी रहेगी ना, जेजेपी तो है ही नहीं, जीरो मानो आज के टाइम में। कांग्रेस वर्सेज बीजेपी होगा। तो ऐसी क्या नीतियां रही भारतीय जनता पार्टी की, या प्रत्याशी की बात करें रणधीर पनिहार की, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है? नहीं, एक किसान का बेटा है, किसान की और क्षेत्र का अपने सेंटर का है, नड़वाल का सेंटर का गांव है, उनको सभी पता है, पानी की, सड़क की, बिजली की, स्कूल की, स्टाफ की, स्कूल स्टाफ की, हॉस्पिटल की, सभी समस्याओं का पता है उनको, भाई यहाँ इस चीज की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और कि पनिहार साहब को जो फायदा है वो रणधीर पनिहार के नाम से मिलेगा या बीजेपी के नाम से मिलेगा या मोदी जी के नाम से मिलेगा? या तो सभी का होगा ना, बीजेपी पार्टी का भी होगा, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के परिवार का भी होगा और हमारे गांव का 100% सहयोग है, उसका भी फायदा होगा। ठीक है। कुछ और लोग भी हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है, रणधीर पनिहार का। यो अपना कांग्रेस वाले कहते हैं 70 पार कर देंगे, 80 पार कर देंगे, इनके जो दावे हैं ये बड़े बड़े खोखले वादे करे। अच्छा। और कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, चलो, आपने कांग्रेस का राज भी देखा होगा, पिछले 9.5-10 साल आपने बीजेपी का राज भी देखा है, तो क्या फर्क मानते हैं दोनों के राज? नहीं, बीजेपी का राज बहुत बढ़िया है, हमारे गांव में कम से कम 40-50 बच्चे लग रहे हैं। अच्छा। अभी लगे हैं तो बहुत बढ़िया। राज में नहीं लगते थे? नहीं, इतने नहीं थे। अच्छा। और ऐसी कौन सी नीतियां हैं? नीतियाँ काम कराने की नीतियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो विपक्षी कहते हैं, बोले जी ये परिवार पहचान पत्र बना दिया, जो है लोगों को परेशानी होती है इससे, या आयुष्मान कार्ड बना दिया, ये जो बन नहीं रहे और पोर्टल के चक्कर काटने पड़ते हैं, सीएससी सेंटरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो क्या सच में किसी को फायदा भी मिला है? फायदा ही फायदा, इसका नुकसान क्या है? अच्छा। पहले किसी दफ्तर में जाया करते थे, अगला कानून नहीं देखा करता था, ये अपने जाओ कोर्ट का गाड़ी थोड़े सीएससी सेंटर में जाओ, सारा काम करवाओ। अच्छा। किसी अफसर के पास ही नहीं जाना। अच्छा, काम क्या करते हैं? मैं तो खेतीबाड़ी करता हूँ। आप एक किसान हो, पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ हमारे हरियाणा में, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी उसको मुद्दा बनाते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से किसान वर्ग नाराज है, तो इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं, ये झूठ है। अच्छा। कोई किसान नाराज नहीं है। तो ये जो बॉर्डर पे बैठे थे या जो विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध करने करेगा, विरोध करेगा, विपक्ष में बैठेगा विरोध करना करेगा, तो क्या करेगा वो? अच्छा। खाली बात यही है। तो किसानों के लिए कुछ काम किए हैं क्या? किए हैं। ठीक है। बहुत काम किए किसानों के। ठीक है। नमस्कार जी। भाई भाई आगे पूछ। दादा राम राम। राम राम भाई। राम राम। तबीयत कुकर है? तबीयत जमा ठीक से। के माहौल है मेरे? माहौल मम्मी ने तो भाई ठीक दिखे जी। क्या? हाँ, रणधीर का। अच्छा। टिकट मिली जी तो मेरा पूरा नड़ुआ में बारिश हुई उस दिन। अच्छा। और मारे आड़े गांव में टिकट आई नहीं जी, मैं तो ऊपर ना अमरकानी ने कहते ऊपर ना देखा कौन था, उस दिन देखा मैं राम के विचार से, मन तो ईसा रंग लागे उड़ा देखा ईसा, हर एक दिन मैं तो देखा कौन था। अच्छा। तो तारे हल्के में अगर बात करें, इससे पहले जिस तरह तारी उम्र ठीक ठाक सी भगवान करे, तो आपने कांग्रेस का राज भी देखा होगा और बीजेपी का राज भी देख लिया, तो के फर्क मानो भी कौन सा बढ़िया कौन सा? फर्क जैसा जमाना है नहीं, इसी हिसाब दारे सारे ठीक चल रहे, और मन माननी तो भैया थे
मेरे पखवाले से और पखवाले ना तो किसी जीव से पूरी हुई और ना हो। ठीक है, तो फिर उम्मीद है के रणधीर बने आते पूरी पूरी। अच्छा। तो मैं भगवान गांव ने भाईचारा ने हल्का खुश बताई दिया तो पुर देखा दे राम भी खुश था। अच्छा, हानि में बट देखा दे टिकट मारे गांव की घोषित होनी बिट जो पूरे नल बम बरसिया मत ये आडिये लगाऊ और मन ना को बेरा। अच्छा, तो ताऊ जी कह रहे हैं कि जिस दिन नलवाल के की टिकट रणधीर पनियार के नाम से डिक्लेयर हुई उससे पहले नलवा पूरा हल्का जो है बारिश का इंतजार कर रहा था और यहाँ एक और नलवा हल्के से रणधीर पनियार की टिकट डिक्लेयर हुई, वहीं दूसरी ओर जो भगवान है जो राम है वो भी जमकर बरसा, ऐसा इन ताऊ जी का कहना है। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। राम राम जी। राम राम। तो कर राम राम भाई। राम राम। हाँ जी, क्या माहौल चल रहा है? राम राम खेती बाड़ी की कर रहे। अच्छा, तो खेती बाड़ी करो, दवाई भी लेंदे हो गए, स्प्रे भी लेंदे हो गए और सारी हमने क्या देना है दवाई लेने? तो पहले यो अपना खाद बीज मिल जाया करता के ई सोखा मिला है, ई बंधन हो रहा खाद बीज का। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। भाऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या माहौल चल रहा है आपके गांव? बढ़िया माहौल चल रहा है। हाँ। और गांव से जीत के निकलेगा। अच्छा, आप सिर्फ पनिहार गांव की बात कर रहे हैं? मैं पनिहार गांव। और पूरे नलवा हल्के की अगर बात करें? नलवा हल्के तो मैं आऊंगा, सर्वे करूंगा तो वो बता दूंगा। अच्छा। बाकी यहाँ से जीत के निकलेगा। ठीक है। तो जो अगर बात करें आप रणधीर पनियार की, और पनियार गांव उनका खुद का है, लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने खुद की तो कोठी हिसार शहर में बना ली, गांव को संभालते नहीं है, तो ऐसी कोई बातें भी हैं क्या? नहीं, वो जो थे बम्बई बना लो कोठी, कोई देखा जी देगा मैं पावा है। अच्छा, कोई काम होगा या अगर चार मिलेगा। ठीक है। हाँ। तो दुख सुख में आवे काम? बिल्कुल आवे। तो मतलब जो टिकट मिल गई तो न्यू तो नहीं अभी चंडीगढ़ और दिल्ली कोठी बना ले और अपने हल्के ने संभाले ना? ना ना ना, ऐसा कौन है? यो गंगवा कौन पाया करता? गंगवा कौन पंदा पहले? अच्छा, और ये तो यही मिले है, कोई देखे जी दे यही मिलेगा काम में, कह खेत में फार्म में मिले है। ठीक है। तो केला गए जे ये जीत गए तो अपने हल्के का कुकर विकास करा पाऊंगे? विकास तो करावेगा जी, ग्रांट ऊपर से गवर्नमेंट देगी जी, क्यों कौन कराओगा? तो कुछ और युवा साथी हमारे साथ मौजूद है भाई साहब, जमा युवा नेता बन रहे हो कुर्ता पजामा काट के? बस भाई, कुर्ता पजामा तो पहन नहीं चाहिए। अच्छा, आप युवा हो, पूरे हल्के में घूमते होंगे, अपने गांव में घूमते होंगे, सबसे पहले तो समस्याएं आपको नजर आती होंगी क्योंकि एक पढ़ा लिखा जो तबका है वो सवाल करना भी जानता है, तो कैसी कौन सी समस्या है आपके हल्के का? ये हल्का मारा तो सबसे बड़ी जो समस्या है ना वो पानी की है। उड्डा सरकार का टाइम है, बाड्डा उडाना जो नहर काटी थी ना उसके बाद में हमारे तो ऐसे हालात हो गए थे बीच में गर्मियों में तो कि पानी पीने के लिए नहीं आता था, वाटर सप्लाई खाली रहती थी और इतना बुरा हाल था कि पानी तीन तीन दिन पाँच पाँच दिन सप्लाई और टैंकर की जो व्यवस्था है ना हमने तो जब देखी थी। अब ये लोग यूं कहें कि दोबारा उड्डा सरकार आ जाए ये हो जाए, वैसे हमारा तो सबसे बड़ी डिमांड थी दो हफ्ते पानी की और वो तभी आई थी जब उड्डा साहब पानी परने ले गए थे। इन सारा बुरा गावड़ बेरिया चौधरी बास पनियार इन गामा में तो इतनी बड़ी समस्या थी उड्डा सरकार में कि हमारा पानी का वो डाइवर्ट करवा के वहाँ ले गए थे, यहाँ पानी का कम हो गई थी, यहाँ तो पीने को पानी नहीं था। ये तो शुक्र है अब दोबारा बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो खेतों वाला पानी तो अब भी पूरा को नहीं है हमारा, वो तो हमारा घर का आओगा कोई सोचेगा समझेगा जद की बात है, लेकिन ये है कि थोड़ा पीण खातर पानी आने लग गया। चलो आपने समस्याएं बता दी गिनवा दी और उसका कारण भी बता दी कि हुड्डा सरकार इसका कारण रही, लेकिन इसका समाधान क्या, उम्मीद किससे? उम्मीद तो जी जब गांव का जिसका घर खेत में पानी लगेगा वो आप खातर तो सभी करे हैं, तो हमारा तो विधायक गांव का है वो घर आपके खेत खातर लिया हुआ तो हमारा तो ऑटोमेटिक फायदा हो जाएगा। अच्छा। मार तो ऑटोमेटिक पानी आ जाएगा और हमारा पानी आ जाएगा तो पानी की समस्या उर से सबसे ज्यादा है। ठीक है। और पनियार साहब की अगर बात करें आपके गाँव में, क्योंकि उनकी कोठी जो है हिसार में है और बेसिकली वो पनियार गांव से हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल मन में उठता है कि अगर वो विधायक बन जाते हैं तो कभी तो आदमपुर रहेंगे, कभी चंडीगढ़ रहेंगे, कभी दिल्ली रहेंगे, तो क्या हल्के का विकास करवा पाएंगे क्या? हमने यह बात पता नहीं आप लोगों को कहाँ से पता लगी है, हम तो यूं कहा वो शहर तो दो घंटा खातर जाए,
उड़ा ही रहे, वो तो सवेरे 6 बजे चलू हो है और से रात ने 10 बजे तक नोरम 3 घंटे तो 4 घंटे तो जरूर सवेरे सवेरे लगा के जाए, फिर 2-4 घंटे खेत में जाए, फिर घंटा 2 घंटा ही सार चल जाता हो आपका काम करेगा तो बेरा को नहीं। बाकी इसी कोई दिक्कत ना कदे सरपंची रहा टाइम हो ना कदे ईब हो ना कदे आग हो कि गाँव में ना मिले, ऐसी समस्या हमें तो लगता नहीं भाई इस बात से होगी या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सर्वे है नलवा हलके के पनिहार गांव का, जहां पर मौजूद सभी लोगों ने एक ही बात कही कि रणधीर पनिहार जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो शहर में रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं, आदमपुर रहते हैं, ऐसा नहीं है, वो पूरा का पूरा अपना जो समय है अपने हलके के अंदर रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, हर किसी के दुख सुख में शामिल होते हैं और अगर भविष्य में वो विधायक बनते हैं तो कहीं ना कहीं नलवा हलके का जो उद्धार जो अभी होना है वो और कोई नहीं सिर्फ रणधीर पनियार ही करवा सकते हैं। ऐसे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं, उस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।